रविंद्र जी, आज आपने प्रदर्शन किया है, छात्रों को एग्जाम नहीं है, हो रहे हैं प्रमोट है, फिर भी फीस मांग रहे हैं, क्या कुछ था आपकी मांग? मेरी मुख्य मांग थी कि जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने और यूजीसी ने गाइडलाइन दी है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के किसी भी तरह के कोई एग्जाम नहीं होंगे, तो जब एग्जाम ही नहीं हो रहे तो फिर विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों बच्चों को फीस परीक्षा शुल्क लेने के लिए मजबूर कर रहा है? और साथ ही साथ में उनके अंदर एक लाइन और डाली है कि हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए आपको विश्वविद्यालय आना पड़ेगा। तो जब इतने सारे विद्यार्थी जो ग्रामीण परिवेश से यहां तक आएंगे वो संक्रमित अगर होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होता? और साथ ही साथ में थोड़े दिन पहले भी मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाया था, उनको बताया था, उनके नॉलेज में ये बात डाली थी कि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, एसएफएस कोर्स के जो बच्चे हैं, उनकी एक साथ 50,000 से 60,000 फीस होती है, वो एक मुश्त कैसे भरेंगे? 3-3 महीने तक लॉकडाउन था। वो विद्यार्थी अपनी आवाज को कहीं ना कहीं यहाँ पे रख नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं साहब हम 60-70 हजार रुपए एक साथ कैसे दें? एक तरीका है कि आप जो फीस है उनको किस्तों में लो, पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक नहीं किया, अभी तक बिना काम के वो पैसे मांग रहे हैं। मैंने कल एक जगह देखा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास में 10 करोड़ रुपए थे और विश्वविद्यालय प्रशासन को पता ही नहीं। मुझे बड़ा अचरज आता है कि साहब इतना बड़ा सब जब हो रहा है, आप इतने सारे पैसे ले रहे हो और आपको ही नहीं पता, बिना फालतू की किसी भी तरह की कोई शुल्क नहीं ली जाए। एग्जाम कंट्रोलर का जो मामला था, जो मैं काफी टाइम से उठा रहा था, वो आप तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ में जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है उनके अंदर किसी भी तरह का भ्रम पैदा मत करो, उनको स्पष्ट करो कि फाइनल के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, वो अभी भी भ्रम में है। आप जो भी स्थिति है वो स्पष्ट कीजिए और समय रहते आप दिशा निर्देश दीजिए। और सबसे बड़ी चीज जो आप वापस मुझे कहनी पड़ रही है कि आप बिना परीक्षाओं के किसी भी तरह की परीक्षा शुल्क न लें और बच्चों की जो फीसें हैं वो आप किस्तों में कराएं। धन्यवाद।